हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कंचन और आप लोग अभी हैं कंचन वी महतो चैनल पे। और मैं अपने चैनल पे शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ एक झटपट सा क्विक चाट रेसिपी, जो है गुआवा का यानी अमरूद का। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चार अमरूद मैंने लिए हुए हैं, तो मीडियम साइज़ के अमरूद है जो हल्का हल्का पक चुके हैं। तो अमरूद की साइड दोनों साइड में कट कर लूँगी। और ये हल्का पक चुके हैं, तो ये कच्चा में ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है, लेकिन ये हल्का हल्का पक चुके हैं तो इसको मैं इस तरह कूट लूँगी। क्योंकि कच्चा में इस तरह कूट के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन ये पक चुके हैं तो इसको मैं अब कट कर लूँगी। तो छोटे छोटे पीसेस सारे अमरूद का हम कट कर लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी है। तो सारे अमरूद को हम इस तरह कट कर लेंगे, अपने साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो ये अमरूद मैंने पेड़ का तोड़ा हुआ है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे जो मेरी मकान मालकिन है उनके बगान पे है पेड़, तो वहीं से मैं तोड़ के लाई थी ये छोटे छोटे चार अमरूद। तो मैंने सारे अमरूद को कट कर लिए हैं। इसमें मैं डालूंगी अब कुछ मसाले, तो जिसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च लिया है, तो इसको मैं अब कूट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को कूट लिया है। अब हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप तीखा अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब हरी मिर्च को, और इसमें मैं ऐड करूंगी फिर बाकी मसाले थोड़ा सा, नाम भर सिर्फ मैं यहाँ पे चिली फ्लेक भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चिली फ्लेक ऐड किए हैं। इसमें फिर मैं डालूंगी ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, तो टेस्ट अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड कर दिया है, और थोड़े से इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें आप सॉस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास सरसों का सॉस हो तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर कच्चा मैंगो पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही चटपटा बनता है। तो बस यही था, मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर दूंगी। तो जो हमने मसाले ऐड किए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा चटपटा मसाला गुआवा रेडी है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा चाट रेडी हो जाएगा। एक मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो चटपट ये चाट बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है ये गुआवा मसाला चाट। तो अगर ये चाट गुआवा मसाला चाट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।